हे एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और यूट्यूब सेशन के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग गाइस। ओके, पीजे ठाकुर इज सेइंग उनकी पहली क्लास है, इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। ग्रेट, ओके, सबको जुड़ने थे। सभी और बताओ, हाउ इज द वेदर? गाइज, आपके आसपास आज मौसम कैसा है? बिकॉज इट्स रेनिंग हैविली इन दिल्ली। बारिश हो रही है? अच्छा सर, प्लीज क्लास 9 बजे रखा करो। अच्छा, 9 बजे रखा करो। लेट्स सी, अभी आपकी जो कल की क्लास है वो तो 10 PM है। कल की क्लास आपकी 10 बजे है, 10 PM है आपकी क्लास। ओके, चलो, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए। अभी अभी अजय का भी सवाल आया है, एक चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़ तो नेवर गिव अप, जब तक कि एग्जाम डेट बिल्कुल आपके सामने ना आए, लगे रहो। दिन बिल्कुल भी कम नहीं है, समय आप पे अभी भी बहुत है, पर अगर आप मेहनत करने से पीछे हट जाओगे तो थोड़ी मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएंगी। गाइज, रिमेंबर, पुश योरसेल्फ, आपको खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यहां पर मैं भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, आपको गाइड दे सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपकी जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, बट फाइनल चीज़ यही है कि आप खुद ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, खुद ही अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, खुद ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना कि यू नीड टू पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। चलिए, यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कशन में लेता हूँ वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। GS पेपर नंबर 1 में इनका काम आता है। इसके साथ साथ जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके, तो अपनी अपनी जो नोटबुक्स हैं सब लोग निकाल लें जल्दी से। तो सब सब लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी नहीं हो, जो लोग नए आए हैं, आपको अपने साथ एक डायरी या ब्लैंक पेपर रखना है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा, यू नीड टू राइट देम ऑल। ओपन है? ग्रेट। चलिए गाइस, ऑन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म आई एम द एजुकेटर, जो कि यूपीएससी कैटेगरी में डेली करंट अफेयर्स शो कंडक्ट करता है, जहाँ पे आप लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, AIR, योजना मैगजीन, PIB और जितनी भी चीज़ आपके आसपास हो रही हैं और एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं वो सब चीज़ें मैं कवर कराता हूँ, एज वेल एज मेरे करंट अफेयर्स के साथ आपका 50% बेसिक सिलेबस भी कवर हो जाता है। ओके, रेफरल कोड आप लोग यूज़ करना अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस की तरफ जा रहे हैं। aman.sharma इज माई रेफरल कोड, अगर इसका इस्तेमाल करोगे मिलेगा आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पेज नंबर 1। आफ्टर अ हीटेड डिबेट, राज्यसभा क्लियर सिटीजनशिप बिल। तो फाइनली सिटीजनशिप बिल राज्यसभा ने भी यहां पर कर दिया है पास। नाउ, अभी तक आप लोगों ने जिन अपनी डायरीज के अंदर जिस पेजेस में सिटीजनशिप बिल के बारे में लिखा था उसको आप लोग ओपन कर लेना, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है वो मेरे साथ कवर करेंगे। ओके, चलिए लेट अस कवर इट।
सो फाइनली व्हाट इज सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, क्या कर रहा है? सिटीजनशिप पहले तो एक कट ऑफ डेट डिफाइन करता है 31st of December 2014, कहता है कि अगर जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारे देश में 31st of December 2014 से पहले आ गए थे और जो 6 रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो कि थे हिंदूस, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस, जो इन पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके लिए जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के जो जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एज वेल एज सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन मिला है, कुछ एक्सेप्शन भी यहां पर इससे रिलेटेड हमारे सामने आए। हुआ क्या था कि अभी जो करंट अमेंडमेंट है वो रिलैक्स करता है कि जो आप लोगों को 11 साल रहना होता था बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, उसकी जगह अब आप लोगों को जरूरत होगी सिर्फ 5 ईयर्स की। सिर्फ 5 साल वाली रिक्वायरमेंट हम लोगों के लिए सामने आई है। हमारे देश में जो सिटीजनशिप वाला क्लॉज है, इट इज रेगुलेटेड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये वो एक्ट है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हमारे देश में सिटीजनशिप किन किन तरीकों से मिल सकती है। बेसिकली कैसे मिल सकती है? बाय बर्थ मिल सकती है हमारे देश में सिटीजनशिप, हमारे देश में सिटीजनशिप यहां पर मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ डिसेंट, मिल सकती है थ्रू रजिस्ट्रेशन, मिल सकती है थ्रू नेचुरलाइजेशन, या यहां पर इंडिया ने किसी दूसरे देश के टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया हो खुद की टेरिटरी के अंदर। दीज आर दी 5 टाइप्स जिसके बेसिस पे सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सबसे पहले 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, पर क्योंकि मोदी सरकार 1.0 इसको पास कराने में नाकामयाब रही थी और यहां पर लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, बिल लैप्स हो गया था, तो 2019 के अंदर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। गाइज, यहां पर पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक इंपॉर्टेंट कॉज हम लोगों के लिए आता हुआ नजर आया है। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी आई हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को एक्सक्लूड भी किया गया है। किनको एक्सक्लूड किया गया है? 2 टाइप के यहां पर स्टेट्स के ऊपर एक्सेप्शन रहेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। नंबर 1, जिनके पास इनर लाइन परमिट है, ILP है, उनको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। और यहां पर जो पर्टिकुलर स्टेट्स हमारे 6th शेड्यूल के अंदर आती हैं, दैट इज असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनको भी एक्सक्लूड किया गया है। जल्दी से मैसेज करके बताओ कि हमारे देश के अंदर जो इनर लाइन परमिट है वो किन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स के अंदर लगा हुआ है? विच आर दी 3 स्टेट्स
विच आर दी थ्री स्टेट्स गाइस? इट इज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड. गाइज इसके एक्सेप्शन के अंदर विद इन एड ऑन ऑफ इनर लाइन परमिट रीजन, यहां पर मणिपुर को भी एड ऑन किया गया है रिसेंटली. सो मणिपुर को भी रिसेंटली यहां पर एड ऑन किया गया. क्लियर? क्लियर है सबको? इतना सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया अपनी डायरीज में, जल्दी से बताओ, फिर आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. बर्थ कैसे, मतलब जो पैदा हुआ है हमारे देश में. डिसेंट मतलब कहीं और पैदा हुआ है पर उसके माँ बाप हमारे देश से बिलोंग करते हैं. रजिस्ट्रेशन मतलब जो मैरिजेस के बाद होता है. नेशनलाइजेशन मतलब जो इतने साल के लिए हमारे देश में ले लिया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है. और इंडियन टेरिटरी, अगर इंडिया यहाँ पर किसी और देश को, मान लो पाकिस्तान को अपने अंदर मिला ले, तो उसके देश भी हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग, ये वो चीज़ें हैं. ओके, चलिए नाउ इसके साथ साथ यहां पर ओवरसीज इंडियंस के लिए भी एक नई चीज एड ऑन की गई. ओवरसीज इंडियंस के लिए भी एक क्लॉज एड ऑन आया रजिस्ट्रेशन के लिए, कि यहां पर बिल बात करता है कि अगर वो किसी भी लॉ को वायलेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनकी सिटीजनशिप को कभी भी उनको यहां पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. ना यहाँ पर आज मैं इस आर्टिकल को आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा. हम लोग यहाँ पर करेंगे अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एंड इन फेवर ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. ये शायद आप लोगों ने मेरे साथ पहले कवर नहीं किया था, तो इसको हम लोग कवर करेंगे. तो व्हाट आर द थिंग्स अगेंस्ट दिस बिल, व्हाट आर द थिंग्स इन फेवर ऑफ दिस बिल. अगेंस्ट क्या है कि वाई एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स को ही क्यों एक्सक्लूड किया गया. एंड दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म के भी यहां पर ये खिलाफ जा रहा है. इसके साथ साथ अगेंस्ट क्या है कि हम लोग, हमारे देश में और भी तो बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो रोहिंग्याज हैं या तमिल्स हैं. ओके, या यहाँ पर जब आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बात करते हो, तो हाउ यू कैन फॉरगॉट अहमदिया मुस्लिम्स, जिनको पाकिस्तान यहाँ पर मुस्लिम्स ही नहीं समझता है, उन्हें आप लोग कैसे फॉरगॉट कर सकते हो, उन्हें कैसे भुला सकते हो. और सरकार यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी इलीगल माइग्रेंट्स में और यहाँ पर लीगल माइग्रेंट्स में. मैंने आपको एक चार्ट और बनवाया था प्रीवियस नोट मेकिंग के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में, कि इसकी वजह से क्या क्या होगा, कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें कंपटीशन होता हुआ नज़र आएगा, है ना, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा. जैसे भारत सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, उसके अंदर कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, रायटिंग बढ़ेगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. पर मेन अगर अगेंस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो ये हैं. ओके, अगेंस्ट में. इन फेवर बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ को क्लेम करती है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द थ्री कंट्रीज. हमारे देश की माइनॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है. हम लोगों ने पहले ही धीरे धीरे सिटीजनशिप प्रोवाइड की है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है. एंड दिस इज डन बाय केस बेसिस. ये अमित शाह जी ने बोला था, होम मिनिस्टर ने बोला था इस पर्टिकुलर चीज को, कि पार्टीशन के बाद ऐसा हुआ है. ओके, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस नॉट ओनली बट ट्वाइस इंडिया ने यहाँ पर माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट किया है. तो दिस इज टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज. तो आज के जो लेक्चर है उसमें दिस वर दी फर्स्ट नोट मेकिंग आर्टिकल. सबको मजा आया? क्लियर है? चलिए, गुड.
नाउ गाइस, आज एक बिग क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आज जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं, दिस इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से रिलेट करते हुए बार बार नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है, जो एग्रीमेंट 1950 के अंदर साइन आउट किया गया था। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट को बार बार जोड़ा जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाले सवाल से। सो व्हाट इज दिस, ये नेहरू लियाकत एग्रीमेंट है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जब से डिबेट चली है पार्लियामेंट के अंदर, बार बार रेफरेंस इस पर्टिकुलर पैक्ट का दिया जा रहा है, जो कि 1950 के अंदर साइन आउट किया गया था। अमित शाह ने भी इस चीज को बोला कि जब इंडिया ने नेहरू लियाकत पैक्ट को साइन किया तो इंडिया ने तो अपनी जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, बट पाकिस्तान फेल्ड टू डू सो। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि आज जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, खासकर हिंदूज की पॉपुलेशन, सिर्फ 2% रह गई है पाकिस्तान के, बल्कि उससे भी कम। इट वॉज अ ऑफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसको April 8, 1950 के अंदर यहां पर साइन आउट किया गया था जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में, मतलब जो PM ऑफ इंडिया एंड PM ऑफ पाकिस्तान के बीच में इसको साइन आउट किया गया था। नेहरू लियाकत पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज अ बायलेटरल एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट की जरूरत इसलिए थी क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को खतरा लग रहा था बिकॉज ऑफ द मैसिव कम्युनल रायटिंग। 1950 के अंदर एज पर सम एस्टिमेट्स ओवर अ मिलियन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम एंड टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। कम्युनल टेंशन बढ़ती रही, हमें कुछ रैट्स देखने को मिले ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और नौखली रीजन के अंदर। दोनों सरकार आपस में मिली, दोनों ने बोला कि जो भी लोग रह रहे हैं किसी भी देश के अंदर, दे हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, उनके पास इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप के अधिकार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनके पास पूरे अधिकार है कि उनकी जो लाइफ है उसकी सिक्योरिटी हो सके, उनके कल्चर, प्रॉपर्टी, पर्सनल ऑनर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उन सब चीजों को बचाया जा सके। हर एक देश के अंदर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पीच और वर्शिप उनको मिल सके, और यह पैक्ट इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता था। गाइस, जो मेंबर्स थे माइनॉरिटीज के, दे शैल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी विद मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके जितने ही उनके पास अधिकार हैं, और वो सर्व भी करेंगे यहां पर उन देश की सिविल और आर्म्ड फोर्सेस को। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पॉइंट आउट करके पास भी किया था और अडॉप्ट भी किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने। इवन देन पाकिस्तान फेल्ड टू फुलफिल ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान फेल हो गया था। तो ये एड ऑन था आप लोगों के लिए, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, इसका जिक्र बार बार आ रहा है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एग्रीमेंट, क्यों वर्क करता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम एलिमेंट। ओके, सो सबको क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक, साफ हो गया सबको? जल्दी से बताओ। गुड, ग्रेट। चलिए पेज नंबर 1 पे एक और खबर मिलती है, 50th PSLV लॉन्च कैरीज रडार सैटेलाइट। ओके, क्या बढ़िया बात है। इंडिया का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसने अपनी गोल्डन जुबली लॉन्च पूरा किया है, अपना गोल्डन जुबली लॉन्च पूरा किया है।
मतलब अपना 50th लॉन्च पूरा किया है। चलिए 50th लॉन्च में कौन सी सैटेलाइट हम लोगों ने भेजी? राइसैट। चलो छोटे सवाल का जवाब दोगे अभी आप लोग मेरे से, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू गाइस। सर आपने आज की स्पीच सुनी थी क्या नरेंद्र मोदी जी की विद रिगार्ड टू सीएबी? डिड नॉट गॉट टाइम फॉर इट अब है लाइक ड्यू टू वेरियस ऑफ द लेक्चर्स अभी टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पर, एंड थैंक यू प्रीति। चलिए जल्दी सवाल का जवाब दो। रिसेंटली हम लोगों ने PSLV C47 भेजा था, इसके अंदर हमारी मेजर सैटेलाइट कौन सी थी? विच वॉज द मेजर सैटेलाइट? जल्दी से फास्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस का जवाब दो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स अ कार्टोसैट 3। ओके, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? कार्टोसैट इज बेसिकली अ मैपिंग सैटेलाइट, इट्स अ मैपिंग सैटेलाइट, मैपिंग में मदद करती है, इट्स एन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। इसके अंदर वी टेंड टू यूज रिमोट सेंसिंग। ओके करेक्ट। ओके गाइज एक और छोटे सवाल का दो, विच इज द प्राइमरी मैपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया? हमारे देश की मैपिंग एजेंसी कौन है, कौन सी एजेंसी मैप करती है? मैप्स आते हैं ना आपके सामने, पॉलिटिकल फिजिकल अलग अलग स्टेट्स के, रिवर्स के, है ना, अर्थक्वेक के, क्या हीट जनरेशन के, वो कौन से मैप्स हैं, कौन कौन है? मैपिंग एजेंसी कौन सी है देश की? वेरी गुड, सर्वे ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? जल्दी से बताओ कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SNT के अंदर आती है। ठीक है चलो अब बात करते हैं सबसे पहले PSLV के बारे में। लॉन्च व्हीकल है PSLV, इट इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इट्स अ 4-stage लॉन्च व्हीकल जिसके अंदर पहली स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल करती है, दूसरी लिक्विड, तीसरी सॉलिड और चौथी भी लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल करती है। मैं बार बार इस चीज को आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4-stage लॉन्च व्हीकल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। हम लोगों ने PSLV की मदद से बहुत बड़े बड़े कारनामा किए हैं, जैसे चंद्रयान 1 इसी की वजह से भेजा था। ओके, चंद्रयान 1 हम लोगों ने इसी से भेजा था, PSLV से। 4-stage का लॉन्च व्हीकल होता है। कैरिंग कैपेसिटी इनिशियली PSLV की बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। पेलोड को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर, बेसिकली जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर भेजने में यह मदद करता है। C1 के साथ साथ मार्स ऑर्बिटल मिशन भी PSLV से ही हम लोगों ने छोड़ा था। गाइस आज तक PSLV अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही फेल हुई है, 2 बार PSLV फेल हुआ है। PSLV का पहला मिशन था PSLV D1 1993 के अंदर, PSLV उसमें फेल हो गया था, और 2017 में PSLV C39 ये मिशन भी फेल हो गया था। तो ये थी कुछ चीज़ें PSLV के बारे में। 50th इसने अपनी लॉन्च कर दी है गोल्डन जुबली, जिसके अंदर यहाँ पर राइसेट को लॉन्च किया गया है, PSLV द्वारा राइसेट 2BR1 को लॉन्च किया गया। सो गाइस राइसेट क्या काम करेगी,
राइसेट इज अ स्पाई सैटेलाइट। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने इससे पहले कार्टोसैट भेजा था, कार्टोसैट मैपिंग सैटेलाइट था और सिर्फ डे टाइम में वर्क करता था, सिर्फ दिन के समय पर काम करता था, ये रात के समय पर भी काम करता है। एंड बेसिकली इट इज अ रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये रडार्स वर्क करती है ना, उसी तरीके से ये काम करता है। इसकी लाइफ 5 साल की बताई जा रही है और ये डे नाइट दोनों समय पे वर्क करता है राइसेट। ऑल्दो इसका जो यूज है वो हम लोग और भी जगहों पर करेंगे, कि राइसेट का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में ही रहेगा, बाकी और इमेजिंग में मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। ये था आपके लिए अगला आर्टिकल। सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। रजिस्टर न्यू व्हीकल व्हेन ओनर शोज प्रूफ ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड वन। ओके गाइज, आज की डेट में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है? क्लाइमेट चेंज को रोकना, टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर यहां पर हम लोगों को 2% से ऊपर टेम्परेचर होने से रोकना है इस पूरी की पूरी सेंचुरी के अंदर, और हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि 1.5% से नीचे ही जो टेम्परेचर है वो रह सके। अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से दिल्ली बन जाता है गैस चैम्बर, उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो वहीकुलर पॉल्यूशन का भी होता है। ओके, वहीकुलर पॉल्यूशन का भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, यहां पर क्या एक फैसला हुआ है, बेसिकली देयर इज अ न्यू रिपोर्ट हियर, द मैनेजमेंट ऑफ वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन इन दिल्ली, द मैनेजमेंट ऑफ वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन इन दिल्ली। यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स की रिपोर्ट आई है, कांग्रेस लीडर जो है आनंद शर्मा वो इसको हेड कर रहे थे। उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर जो नया व्हीकल है वो तभी खरीदा जाए किसी ओनर द्वारा जब तक वो ये प्रूफ ना कर दे, मतलब वो तभी एक नया व्हीकल खरीद सकता है जब वो ये प्रूफ कर दे कि उसका जो पुराना व्हीकल है उसको उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया है बिल्कुल, और उसके पास पार्किंग स्पेस है। कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, कि यस दिस इज वेरी गुड, बताओ जल्दी से कितने लोगों को लगता है कि दिस इज गुड? ओके, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। व्हाट द शिट इज गोइंग ऑन इन द क्लास? चलो गाइज, प्लीज मेंटेन द डेकोरम इन द क्लास, ठीक है? आई एम हेयर टू टीच यू ऑल, आई हैव डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू वर्क सो मच हार्ड फॉर यू ऑल, सो आई रियली वॉन्ट टू रिस्पेक्ट। ओके, और एन्जॉय करो आज की क्लास को, लर्न अ लॉट, जितना मेरे से सीख सकते हो उतना सीखने की कोशिश करो। चलिए गाइज, यहाँ पर एक बिल के बारे में बात हुई है, देयर इज अ बिल नोन एज दिशा बिल। दिस बिल इज रियली इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से आजकल हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीज़ आ रही हैं,
उन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए पेंडेंसी ऑफ केसेस एक बड़ा इशू है। और साथ में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होनी चाहिए, पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्श होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 हम लोगों के लिए सामने आया है। अब इस बिल ने बदलाव किए हैं। बिल का कहना है कि यहाँ पर जो डेथ पेनल्टी होगी फॉर हीनियस ऑफेंसेस ऑफ रेप एंड गैंग रेप, उनके लिए डायरेक्टली डेथ पेनल्टी देने की बात की गई है। ओके गाइस, यहाँ पर जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसने जो डेथ पेनल्टी देने की बात कही थी वो सिर्फ उन केसेस में की थी जहाँ पर जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है या वो लिविंग कंडीशन में होती है बट नॉट इन अ नेचुरल लिविंग कंडीशन। यहाँ पर जो प्रोब का जो टाइम है वो 7 डेज किया गया है, ट्रायल का टाइम 14 वर्किंग डेज किया गया है, और गाइस जो जजमेंट टाइम है उसको 4 महीने से कम करके 21 डेज कर दिया गया है। मतलब जजमेंट 21 दिन के अंदर 21 डेज के अंदर हम लोगों के सामने आता हुआ नजर आएगा। तो 21 डेज के अंदर आप लोगों के सामने एकदम फटाफट जजमेंट आ जाएगा। कैबिनेट ने इसके ही साथ साथ यहां पर इंट्रोड्यूस किया आंध्र प्रदेश स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2019, जहां पर बात की गई कि वी विल सेट अप अ स्पेशल कोर्ट्स, अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी फॉर डीलिंग विद ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो कि पॉक्सको एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये ऐसी चीजें यहां पर बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। ओके यहां पर जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी है और जो सीआरपीसी है और जो सीपीसी है। ओके सीपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इनके अंदर जो प्रपोज लॉ है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेक्शन 354E एंड 354F। अंडर सेक्शन 354E हरासमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मूड और एनी अदर फॉर्म को कवर किया जाएगा। एंड इट हैज बीन प्रपोज टू सेंटेंस द गिल्टी टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अप टू 2 years फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन एंड 4 years ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। ओके गाइस, इस तरीके के लॉज मेंस के लिए भी आने चाहिए ना, सेम टाइप ऑफ लॉज। There should be gender equality in these laws too, as well as under section 354F, जहां पर molestation और sexual assault को cover किया जाता है, जो imprisonment होगा, it is sought to be increased to a minimum of 5 years, as well as maximum of 7 years. Okay, तो ये यहां पर important चीज है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनसिक्योर्ड वेल्थ, बेसिकली दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद योर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट, ज़्यादा बात नहीं करता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके और यहाँ पर बात हो रही है बिग कैट्स के बारे में। क्या होता है यहाँ पर कर्नाटका के अंदर, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर जो ओपन वेल्स हैं, जो कुएं खुले हुए हैं, उनके अंदर लेपर्ड्स गिर जाते हैं, तो इस वजह से लेपर्ड्स का नुकसान हो रहा है, उनके भी राइट्स के अगेंस्ट है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी सेम चीज़ से रिलेट करते हुए, जो पोल्स होते हैं आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल्स देखे होंगे। ओके उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसेस लगाते देते थे, चारों तरफ क्या लगाते देते थे, इलेक्ट्रिक फेंसेस। और जब एलिफेंट्स आके यहां से टकराते थे तो एलिफेंट्स की डेथ हो जाती थी। तो ये जो डेथ सिचुएशन से क्यों हो रही थी, ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना। ओके चलो मूविंग ऑन,
नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेज नंबर 9, टॉक्स अबाउट हैवी मेटल कंटामिनेशन. क्या बात करता है? हैवी मेटल कंटामिनेशन के बारे में. चलो अपने अपनी जल्दी से पेज पलट लो. यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाता हूँ इसके, कि हैवी मेटल कंटामिनेशन के हम लोग नोट्स कैसे कवर करते हैं. चलो, रिसेंटली जो CWC है, व्हाट इज CWC? इट इज सेंट्रल वाटर कमीशन. इट इज व्हाट? इट इज सेंट्रल वाटर कमीशन. सेंट्रल वाटर कमीशन ने यहां पर रिपोर्ट किया कि जो सैंपल्स लिए गए वाटर क्वालिटी स्टेशन से जो सैंपल लिए गए, उनमें से 2/3 ऑफ द सैंपल्स वर फाउंड कंटामिनेटेड. मतलब यहां पर जो मेटल्स हैं उनकी संख्या, जो डिस्क्राइब्ड मेटल की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्यादा देखी गई. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो यहां पर मेटल के लिए डिफाइन की गई है लिमिट, वो हमें क्रॉस होती हुई नजर आई. की पॉइंट्स क्या है? व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल? सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन कंटामिनेशन पाया गया. देख क्या हो रहा है, आयरन कंटामिनेशन बढ़ता हुआ नजर आया. दो ऐसे मेटल्स थे, दीज वर आर्सेनिक एंड जिंक. दीज वर आर्सेनिक एंड जिंक, जो कि हमें विद इन लिमिट्स पाए गए. यहां पर कंटेमिनेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन. जैसे यहां पर जब मॉनसून सीजन है तो अलग तरीके के मेटल बढ़ते हुए नजर आए, जब नॉन मॉनसून सीजन है अलग तरीके के मेटल बढ़ते हुए नजर आए. मॉनसून सीजन में जैसे यहां पर लेड, कैडमियम, निकल, वो बढ़ा हुआ था, नॉन मॉनसून में यहां पर आयरन बढ़ा हुआ था. एंड गाइस, व्हाट आर दी रीजंस ऑफ दिस कंटामिनेशन? रीजंस क्या है इन कंटामिनेशन के? रीजंस फाइनली है माइनिंग. रीजन है यहां पर इंडस्ट्रीज. रीजंस है यहां पर टॉक्सिक मेटल्स. इस आर्टिकल में ये चीजें आप लोगों को लिखनी थी. These were the things in this particular article in note making. वैसे पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट नोट मेकिंग में आपको यही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी थी. नोट मेकिंग शुड बी क्रिस्प, और सिर्फ काम की बातें लिखनी होती हैं. सिर्फ काम की बातें लिखो, बाकी सबको छोड़ दो. क्लियर? लिख लिया सब लोगों ने? डन विद द नोट मेकिंग ऑफ दिस आर्टिकल गाइस? सर प्लीज, इफ यू हैव टाइम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मोनाडोनॉक्स मेड बाय रिवर? सी, आप उसके लिए तो मेरे को आपके लिए फिगर लानी पड़ेगी. विदाउट फिगर जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, है ना? नहीं तो लाइक सुदर्शन सर इज टीचिंग ज्योग्राफी फॉर यू ऑल एंड ही इज़ अ रियली गुड टीचर, तो आप उनको देख सकते हो, है ना? यू कैन वॉच सुदर्शन सर फॉर दिस. बट अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी कवर करूँगा. ओके, एक मिनट रुकूँ? लो लो अभिषेक, बताना कब हो गया आपका. रीजंस देखो, यहां पर मेटल कंटामिनेशन कैसे होगा? माइनिंग की वजह से होगा,
इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, जैसे मान लो लेदर इंडस्ट्री है तो उसका यहाँ पर वेस्ट जाएगा, या सैंड माइनिंग है तो इसके लिए। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इंडस्ट्रियल मेटल्स पॉल्यूशन की वजह से कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ओके, दीज वर दी रीजंस, रीजंस ऑफ मेटल कंटामिनेशन। चलो गाइज, आज ये आर्टिकल देखने को मिला अबाउट दी शो टेम्पल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शो टेम्पल से रिलेट करते हुए। दो चीज़ें हैं, शो टेम्पल और सी इरोजन। मामलापुरम, देखो कितनी इंपॉर्टेंट जगह है मामलापुरम, यहाँ पर सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, वहाँ पर हमें सी इरोजन देखने को मिल रहा है। सो द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज अवेटिंग फंड्स टू कंस्ट्रक्ट ग्रांस। सो व्हाट इज ग्रांस, क्या होता है ये? बेसिकली सी इरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं वॉल्स, हम खड़ी करते हैं दीवारें। तो जो कोस्ट होते हैं हमारे, जैसे मान लो ये कोस्ट है, यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर हम लोग वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। वी टेंड टू कंस्ट्रक्ट वॉल्स, कंक्रीट वॉल्स, इनको बोलते हैं ग्रांस। ज्योग्राफी का है ये पर्टिकुलर, जो ये पर्टिकुलर शब्द है ग्रांस, ये ज्योग्राफी का वर्ड है कि हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं सी इरोजन को। हाउ डू वी प्रिवेंट सी इरोजन? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट थिंग, सो अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी, जो शोर लाइन है इट इज नियर द टेम्पल, और शोर लाइन यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्लाइन हो रही है। ओके, चलो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जल्दी से कवर करते हैं, लेट अस कवर इट विद द नोट मेकिंग। ओके, शोर टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल, और इसको यहां पर पल्लवास के टाइम पे बनाया गया था, इसको यहां पर पल्लवास के टाइम पे बनाया गया था। ओके, किसने बनाया था? आपने नाम सुना होगा, नरसिंहवर्मन टू ने बनाया था, जिनको यहां पर राजसीमा के नाम से भी जानते हैं। He was a Pallava ruler. शो टेम्पल के अंदर इंपॉर्टेंट तीन मूर्तियां हैं, जिसमें से एक यहां पर विष्णु जी की मूर्ति है और दो यहां पर शिव जी की मूर्ति है। ओके, ये जो टेम्पल है इसको द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है, इसको द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, और ये जो टेम्पल है इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है ये? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यहां पर देखा हम लोगों ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है शो टेम्पल के बारे में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये चीज लिखनी थी। ओके, चलो गाइज, आपको याद है कल मैंने आपके साथ ये पहला आर्टिकल कवर किया था, स्ट्रेंथ इन नंबर्स, ये पहला आप लोगों ने आर्टिकल कवर किया था मेरे साथ कि 38% जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, याद आया? ओके, सो ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी चीज से रिलेट करता है, तो इट इज द वेरी सेम आर्टिकल, तो इसे आप लोग स्किप कर सकते हो। जो अगला आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है मीजल्स के बारे में। ओके, यहां पर मीजल्स के केसेस ग्लोबली 2000 एंड 2018 के बीच में हमें 59% से डिक्रीज होते हुए नजर आए। सर तीन कौन से टेंपल? टेंपल नहीं, यहां पर उसी पर्टिकुलर जो शो टेंपल है उसके अंदर तीन मूर्तियां हैं, दे आर थ्री फिगर्स, जिसमें से एक यहां पर विष्णु जी की है, दो यहां पर भगवान शिव की है।
ओके चलो अब यहां पर क्या बात हुई कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि जो मीजल्स के केसेस हैं वो कम तो हो रहे हैं बट उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है या वो फिर से रीबिल्ट हो सकते हैं। पिछले साल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, मडागास्कर, सोमालिया, यूक्रेन, दे अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ ऑल रिपोर्टेड केसेस। दे अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ ऑल रिपोर्टेड केसेस। ओके सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो है वैक्सीन हेजिटेंसी। नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या है शब्द? लेट मी टेल यू। इसका मतलब क्या होता है? कुछ जगह पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ लोग रिफ्यूज कर देते हैं मेडिसिंस लेना, या दे फील रिलक्टेंट, रिलक्टेंट फील करते हैं कि हम लोग मेडिसिंस ना लें एंड ऑल। ओके वैक्सीन हेजिटेंसी का यहां पर एक रिपोर्ट WHO ने भी दी थी। एंड गाइस, लोग क्यों मना करते हैं या हेजिटेट क्यों करते हैं वैक्सीन लेने से, क्या कारण है उसके? कुछ लोग यहां पर मानते हैं कि कुछ रिलीजियस प्रोपोगेंडा हो सकता है, कुछ लोग मानते हैं कि कोई रिलीजियस प्रोपोगेंडा हो सकता है, उनके धर्म को खतरा हो सकता है, उनके कल्चर को खतरा हो सकता है। दूसरा यहां पर सोशल मीडिया, दूसरा क्या है यहां पर? सोशल मीडिया है। ओके इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से भी डिजीज हो जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके कल्चर को भी इसकी वजह से खतरा आ सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर देर इज नो असेस टू वैक्सीन। सो वैक्सीन हेजिटेंसी के ये पर्टिकुलर कारण है। वैक्सीन के बेनिफिट्स तो आपको पता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी रिसेंटली जो नोबेल प्राइज मिला फॉर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला, दैट इज आर्थर डफ्लो, अभिजीत बैनर्जी और मार्क क्रेमर को, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, दे वर नॉट गोइंग फॉर वैक्सीन फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप अगर आओगे तो आपको पल्सेस का बैग दिया जाएगा, यू विल गेट अ बैग ऑफ पल्सेस, दालों का आपको एक बैग मिलेगा। ओके अब जैसे ही ये चीज डिक्लेयर हुई, बहुत सारे यहां पर लोग वैक्सीनेशन कराने आ गए। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ चीजें हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लोकसभा ने यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बिल पास किया है। बेसिकली इट इज द बिल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019, जहां जो हमारे देश में एक अथॉरिटी क्रिएट कर रहा है जो कि रेगुलेट करेगी हमारे देश की फाइनेंशियल सर्विस मार्केट को। ओके यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में, ठीक है। IFSC हमारे देश का पहला कहां खुल रहा है? गुजरात के गिफ्ट के अंदर। ओके गिफ्ट सिटी के अंदर, गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर खुल रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही सेज देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ IFSCs दैट कैन बी सेट अप। ओके देयर इज नो लिमिट। ओके यहां पर होगा क्या, देखो जैसे ना, जैसे आपको आपने सुना होगा दुबई के बारे में, जैसे मान लो दुबई है ना, लंदन है या न्यूयॉर्क है, वहां पर जाके आप इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन को क्लियर करा सकते हो, बाहर और दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं। वही सेम चीज, द वेरी सेम थिंग यहां पर अब गुजरात के अंदर जाकर भी करा पाओगे। तो यहां पर एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि काम करेगी एज अ सिंगल विंडो ऑफ रेगुलेशंस, कि जितने भी लॉज ऑफ द लैंड हैं, चाहे वो PMLA हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, वो भी अप्लाई होगा। और उसका ऑडिट कौन करेगा? CVC और CAG उसका ऑडिट करेंगे।
जो IFSC गुजरात के अंदर खुल रहा है उसकी जो टैक्स हॉलीडे दी जाएगी फॉर दी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स कमिंग अंडर दी IFSC वो 10 साल के लिए दी जाएगी, 10 ईयर्स के लिए दी जाएगी। ओके तो ये आपके लिए आर्टिकल था गाइज, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको याद है असम के अंदर इसी तरीके का बिल आया था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो अपने अगर पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखता है तो उसको गवर्नमेंट नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। पढ़ाया था मैंने आपको, तो सेम टाइप ऑफ बिल यहां पर हम लोगों के लिए सामने आया है। बिल यहां पर बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन अब्यूज करता है अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को या सीनियर सिटीजन्स को, उसको यहां पर 10,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा और 6 महीने की इम्प्रीजनमेंट होगी। ओके, 6 महीने की इम्प्रीजनमेंट होगी। द नेम ऑफ द बिल इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019। ये वो पर्टिकुलर बिल है, बिल डिफाइन करता है यहां पर किसी भी तरीके के अब्यूज को। ओके मूविंग ऑन, अभी चाइना ने क्लियर नहीं किया है कि वो यहां पर ईरान और रशिया जो साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। हां जी, अब है ये सबके लिए आएगा, ये सबके लिए आने वाला है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ साथ ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स ने यहां पर बोला है शी इज दी पर्सन ऑफ द ईयर। वाह, कि ग्रेटा थनबर्ग इज दी पर्सन ऑफ द ईयर। ओके, वैसे एक बात है, ग्रेटा थनबर्ग ने एक चीज तो जरूर हम लोगों के लिए सामने रखी है, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट करता हूं, अलग अलग चीजें आपको बताता हूं, है ना। इनकी लाइफ में कितनी मुसीबतें आई, बट इनका गोल फिक्स था कि इनको दुनिया को क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में बताना। सेम आप लोगों की लाइफ में भी होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लाइफ में कुछ अनवांटेड चीज़ें आती रहती हैं, है ना, तो उनको अवॉइड करना है आप लोगों को और आगे बढ़ते रहना है। ओके, दिस इज दी हैप्पी लिविंग, इससे बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। चलो गाइज, लास्ट आर्टिकल है आपका पेज नंबर 16 पे, सगुन और निर्गुण के बारे में। ओके, ये आर्टिकल आप लोगों को रीड आउट करना है। बेसिकली एक फेथ वाला पोर्शन होता है और ये आर्ट एंड कल्चर से आपका बिलोंग करता है, आपको इसे पढ़ना है, इससे आने के चांसेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, बेसिकली इट्स अ फेथ आर्टिकल। तो सरगुण उपासना क्या होता है, निर्गुण उपासना क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। ओके, सरगुण मतलब जहां पर भगवान को माना जाता है कि भगवान इज इन लिविंग फॉर्म, भगवान लिविंग फॉर्म में है। ओके, जैसे यहाँ पर मीराबाई जी करती थी। निर्गुण मतलब कि भगवान की कोई शेप ही नहीं है, जैसे कबीर दास जी करते थे, है ना। चलिए, हाँ जी, कबीर दास जी एंड मीराबाई जी। चलो फिर आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के सेशन में। जैसे कि आप लोगों को कहता हूँ, नेवर एवर गिव अप एंड डोंट फोकस ऑन द नॉनसेंस थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आपको साफ कहता हूँ कि बहुत लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप लोगों का प्यार है जिस वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और सब लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम लोग मेरे बहुत पुराने लर्नर्स हैं, सबसे अच्छा इंट्रैक्शन है। कल की टाइमिंग होगी रात में 10 बजे, 10 PM शार्प आपकी होगी कल की टाइमिंग। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज।